जय माता दी, जय बद्री विशाल, जय महादेव की जय। आज यहाँ पर दिखा, देखिए कितना अच्छा मौसम रख, मैं आपको दिखाती हूँ। ये बारिश आ रही है और देखिए हरियाली हरियाली, और मैं बारिश में भीगते हुए दूसरे घर में जा रही हूँ छोटे वाले भाई के। ये घर में, दूसरे घर में पहुँच चुकी हूँ मैं, और यहाँ से आपको दिखाती हूँ यहाँ का सुहाना मौसम। बारिश आ ही जाती है यहाँ पर, एक दो दिन के बाद बरखा अपना दिखाई देती है अपना रूप। और हमारे घर के आगे का अमेज़ोन का जंगल दिखाएंगे आपको, लेकिन मेरे हाथ पास में भी छाता नहीं है, नहीं तो मैं उस साइड को जाती। बहुत अच्छा लग रहा है। और आज ये अभी मेरा सूट सिल के आया है, ये मैंने देखा है पर एक के कि कैसा लग रहा है, तो अब मैं बताती हूँ टेलर को कि फिटिंग सही है या कैसी है। आप बताना है कैसा अच्छा लग रहा है कलर, या कैसा लग रहा है, बुरा सा लग रहा है या ठीक लग रहा है। आपको मिलती हूँ बाद में। इस टाइम ऐसे टाइम हो रहा है, टाइम क्या हो रहा होगा इस टाइम मेरे को मालूम नहीं, अंदर जाके पता करना पड़ेगा। टाइम हो रहा है 2 बजने वाले, और बारिश आ रही है। बारिश का मज़ा लेते हुए भीगते हुए फुहारे। चलो फिर आपको बाद में मिलते हैं दोस्तों। आज यू जो ना काम कर रहा है, इग्नोर हिम। तो आज पापा मोमोज बना रहे हैं, क्योंकि ईशा को काफ़ी मन था मोमोज खाने का, तो पापा ने सोचा कि आज मोमो बना दिए जाए। तो आप देख सकते हो पापा, और ये मोमो का मसाला है वेज। इसमें हम सोयाबीन की बड़ी और पत्ता गोभी, पापा क्या क्या डाला है इसमें आप बताओ। सोयाबीन की बड़ी है, पत्ता गोभी है, और फूल गोभी है, और अदरक लहसुन प्याज हरी मिर्च। अच्छा, और इसमें वो चढ़ा दिए चटनी, लाल चटनी। और ये है हमारा मोमो का बर्तन। अब बुआ जी भी उधर बर्तन खड़े, ये तो मैदा है आटा। तो अब जैसे जैसे बनते जाएंगे हम आपको दिखाते जाएंगे। ये देखो मेरे पापा इस तरीके से करते हैं, ऐसे छोटे छोटे पीस काटते हैं। अब जैसे जैसे बनते जाएंगे हम आपको आगे का दिखाते जाएंगे। यशु का ट्यूशन का टाइम हो गया था, इसलिए हर्षित को बोला गया कि अब तू छोड़ के आ जाए, इसलिए हर्षित उसे छोड़ के जा रहा है, और फिर जब आएगा तब उसके लिए भी मोमोज रेडी हो गए, वो तब आके खाएगा। यशु भी शायद ट्यूशन से आने के बाद मोमोज खाए। दोस्तों देखते हैं अब आगे का अपडेट कि कितना बन चुका है, कितनी तैयारी हो चुकी है, और ये काफ़ी बन चुका है। वाओ, काफ़ी। और हरी अकेले लगा हुआ है बनाने में, और मसाला भी काफ़ी है अभी, तो अकेले अकेले बना रहा है, कोई मदद नहीं कर रहा है। तो कोई, क्योंकि कोई कॉलेज जाए, कोई ट्यूशन है, और मैं ये वीडियो लेके घूम रही हूँ इसलिए मदद नहीं कर सकती। और फिर बारिश का मज़ा भी आ रहा है बाहर, तो मैं बारिश में भी देख रही हूँ। और हरी अकेले लगा हुआ है, खाने के लिए हम सब हो जाएंगे, और देखते हैं आगे का क्या क्या, कैसे टेस्टी टेस्टी मोमोज की मुँह पर हमारे स्वाद आ रहा है। और अब मौसम, अब दोपहर के 3 बज चुके हैं, और अब धूप आ चुकी है। सुबह तक रात से बारिश लगी हुई थी यहाँ पर, अब धूप आ चुकी। ये देखिए हरी हरी लाल मिर्चें, प्यारी सी। नहीं, सुबह तक तो ऐसा लग रहा था बारिश रुकेगी नहीं रुकेगी, लेकिन इस टाइम अब धूप आ गई है। अब हम आपको आगे का अपडेट बाद में देते हैं। यहाँ पर ये तैयारी हो रही है स्टीम करने की, यहाँ पर ये रख चुके हैं 3-4। ये देखिए ऐसे नीचे हैं, 1-2-3-4 अभी और बन रहे हैं, बन जाएंगे तो आपको फिर दिखाएंगे। अभी चटनी बन रही है, और मोमो थोड़े चढ़ चुके हैं आप देख सकते हो, और
पे कितना मैस हो चुका है ये, और ये मोमो के साथ के चटनी, लाल चटनी बन के तैयार है। दिखाओ खोल के। हल्की आंच में हम पका रहे हैं मोमो। ये भी टाइम तो हो गया है, बस पकने वाला है। थोड़ी देर में टेस्टिंग की बारी है, मैं टेस्ट करूंगी इसको। थोड़ी गाढ़ी हो चुकी थी तो पानी डाल दिया उसमें हमने, मिक्स करेंगे। गरम हो रखा है। मैं क्या क्या करूँ, मैं अकेले वो आ नहीं रही चाय बनाने के लिए। खुशी दुकान खोल दे। अबे यार ऐसे ऐसे करके इससे काट रहे हैं, और इस पे फिर मसाला भरते हैं, फिर ऐसे हो जाते हैं, इसको ऐसे से दे देते हैं सर। वो आगे खुशी को बोल दे उसके साथ बैठ जाए। A few moments later. ये बन चुके हैं ये मोमोस। खुशी कितना ज्यादा सर्व गिरा रही है। तुमने किसको? चटनी के साथ। कितना बोल रही हूँ बीच में, दीदी के साथ बेहतर हो। ले। लो तुम बांटो। वो काम मिलनी। ये सर्व किया जा रहा है। आशु के लिए। आशु ने खाना नहीं खाया ना, तो वो मोमोज का इंतज़ार कर रहा था, तो उसके लिए जल्दी से मोमोज बना दिया। अब तो वो मोमोज खाएगा, सारे खाएगा मोमोज। बस चटनी में कुछ मिर्ची कम लग रही है, टेस्ट कर लूँ कैसी है चटनी। ठीक है बहुत ठीक है। चक्के ये आशु के लिए चक्के सबसे पहले आशु को दिया जा रहा है। चक्के टेस्ट बता कैसा है। बढ़िया। माँ भी तो खाती है ना मोमोस, खाती है? हाँ नहीं खाती, चिकन खाएगी ना? नहीं, टेस्टी है मोमोस। टेस्ट वो मोमोस अच्छा बनाते हैं, वो स्वाद हरी सब बहुत तारीफ करते हैं। लोग बोलते हैं हमारे लिए भी बना दो। ये खुशी ने कपड़े धो दिए अपने बैग। तो दीदी ये चाय मैं भी खा लो। ये माँ की ले माँ चाय। कम है ना चाय, ये और दो मोमोस। यहाँ खुशी भी खा रही है, खुशी के एकदम मम्मी दे रही है अपनी मर्जी। जीभ में ऐसी लगलाहट हो रही है ना इसकी, मतलब 6 से ज्यादा। इसने सारे खाली कर दिए मोमोस ये खुशी ने। लो छे लिए बस। ये फिर और रख दिए, खाते जा रहे बनाते जा रहे। अभी इतना फिर हो रहा है मसाला, अभी काफ़ी बन जाएंगे इसमें, 400 तक तो और बन जाएंगे। पुट्टी डाल के आ रहे फोटो खींचे। खुशी ने सारा सपोर्ट लिया, पूरा का पूरा सपोर्ट चुकी है ये। और खाना चाहूंगी, और खाना चाहिए। कोई दे नहीं रहा मुझे ये, बहुत दे नहीं रहा इसको। हाँ मना कर रहे हैं क्योंकि इसने काफी खा चुका है। 6 तो खाए हैं, 6 खाए हैं तो मेहनत भी लग रही है बनाने में। और इशू भी ला चुकी है अपना। कैसा है इशू?
जबरदस्त। इनके मम्मी ने कहा 6-6 से ज़्यादा मत मांगना, क्योंकि जरा से ही बनाए थे। आशु को आशु आ रखा है ना काफ़ी सालों बाद, तो आशु ने ले बनाए इसके मामा ने। तो ये अपना काम कर रहा है अभी ऑफिस का, वर्क फ्रॉम होम कर रहा है यहाँ पर। और ये मोमोज बन रहे हैं, सब खा रहे हैं, नहीं बना रहे हैं। ये है खुशी को देख, ऐसे खुशी और नहीं है, बस बेटा इतनी थी, अब नहीं है, अब ज़्यादा मसाला नहीं हो तो आशु के लिए बनाया था थोड़ा सा। जी वही 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 आशु इसमें से दे दो, खाली चुपचाप आपने इसमें से दे दो। ये क्या है, इतना बड़ा ये दे दो, इतने खुशी लाइए खा ले। हाँ दे दे, दो चार पाँच छः, ये सारा दे दो, ये दो मेरे। बाद में बोलेगा आपका बेटा की खराब नहीं है। हाँ ये मैंने, इतना टेस्टी हो रहा है ना, उसने बहुत सारा खाया है। कहाँ खाया, अभी तो खाया। मैं भी ये बन रहा है मोमोज, कल से लगे हुए तेरे मामा और तेरे को पता नहीं। ये मैं भी खा रही हूँ मोमोज, फर्स्ट टाइम खा रही हूँ शायद। हाँ जी मोमोज मैं खाते नहीं हूँ कहीं भी, बहुत टेस्टी होना। वाह बहुत टेस्टी है ये स्वाद, आपके हाथ में क्यों नहीं आया? मेरे को नहीं आता ना, इशू कह रही आप। अभी तो किसी ने भी सुनी खुशी की एक लग गई मुठुक, लग गया पीछे मुठुक, इसने भाई मुठकी लग गई इसके, लेके आ गए औरों के बदले की भी है। मम्मी से भी छीन रही है ये, बहुत हुआ है पेटू, खाना नहीं चाहिए, बहुत पेटौड़ हुआ है ये, बहुत टेस्टी है यार। मुझे नहीं पता था कि इतना टेस्टी होता है मोमोज, इसलिए मैं कभी नहीं खाती थी, आज फर्स्ट टाइम खा रही हूँ मैं। अब समझ आ रहा है मुझे ये खुशी मोमोजों में झट्टा क्यों मार रही है, मुझे भी बहुत टेस्टी लग रहा है इसके। देख रहा मुंड में क्या हो रखा है इसके, खुशी क्या चाहिए तैयार मुंड में, किले रखी होती मीन यू पनीर रखी हो चाहे मुंड में, किले की तू बनाने चु ब्लॉग अम्मी लगने चु भद्दी, मीन दुई दिन बिटी कपड़ बाल नहीं बढ़े है, तो कोई बात नहीं तेरे बाल तो बढ़िया था नहीं रह रहे कहीं, बाल नहीं बढ़े दो दिन बिटी मीन दे दी है, मीन तो देने नहीं कोई कह रहा है, नहीं बस 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 जो है ना चू तो देने नहीं चीज क्यों ना, बस कोई कह रहा है ईसा की मम्मी को भी दे दे, मीन तो दे नहीं चीज तू क्या सो रहा है। एक मिल गया है इसको भी पेटवाण, इनको एक और मिल गया, ये देखिए इसको तो बहुत मसाले थे जैसे, तो बहुत सारा है ना बेबी, ये जुड़ा है जैसे पहले हो रही उसकी सारी, देख तू बढ़िया ठीक है वो सेट टू होम एक बहुत अंगेज बन रही क्या आपने, खान शामा को भी दिखा दो, खान शामा आ गया, अब बैठा कौन है ये बैठा है, ये खान शामा क्या है, एक बार क्या हुआ मैं बता रहे कुछ नया पेट्रोल पंप खोल रहा था ना, तो वहाँ पे मैं पे रोज ताकि लोगों को बताते हैं ना पेट्रोल पंप खुलने वाला है, अच्छा तो मैं वहीं पे इससे मैं ऊपर चला गया, मैं वो जो वहाँ इंडियाना होटल था वो मालिक का था, और वो कहते थे वहाँ दो बार चाय पी लिया करो, मैं चाय पीने जाता था, इतने में एक साहब आया कोई, उन्होंने कहा हेलो मिस्टर जरा ये पैसे दिया, उन्होंने 10 रुपये मेरे लिए ब्रेड लिया, नीचे नीचे ब्रेड की दुकान थी उसी, उसका नाम था अहमद कंपनी, अहमद कंपनी में ब्रेड लाया मैं और उसको दिया, एकदम आ जाओ गहरा तुम क्या लाए ठीक से मंगाया, जब देखो जब कोई मंगाता है मत ला जाता है जो लाता है, और वो आ गया जो बहरा था, क्या मंगाया था मैंने कहा मुझे कितने गए, मैंने कहा 5 रुपये, कितने दे दिए 10 रुपये, तुमको कितना दिए, मैंने कहा जो 5 रुपये जो मुझे मुझे दे दिए, उसका चार्ज दिया गया आगे से मत लाना, जब मैं हम आएंगे तब वो तो हमारा बनता है, मैंने कहा यार तू ले लिया 5 रुपये ना ना कि आपको सुन लिया, तो ऐसा होते हैं बैर हो गया आमदनी बनते रहते, कितने भी साहब लोग आते हैं खेलते हैं खाना खाते हैं वो चूँगे वो उस अपने उसमें रख लेते हैं, वो मालिक तो वापस नहीं खाने का डोंगा जो डोंगे में बचा कर डोंगा लगाते हैं ना खाने के लिए, किसी में मीट होते हैं किसी में पनीर बिजनेस सब्जी होती है, अपनी अपनी अलमारियाँ होती हैं पहले वो अपने डोंगों में रख लेते हैं,
शाम को अपने घर ले जा लेते हैं अपने बच्चों को, उनके बच्चों के खाना फ्री हो निखर अरे उसको भेज देंगे ये करना अच्छा बारिश नहीं आई तो क्या बारिश अच्छा लग गई बहुत चटनी मस्त थी अभी सुबह बना रही है मोमोज तो अरे मैं भी सीखती हूँ बनाना इसको बहुत टेस्टी लग रहा है ये बनाया इसने ये पता नहीं क्या बना दिया इसने इसको इसका पेट नहीं भरा अभी तक अरे नहीं